हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीकेआर वर्सेस जमैका के बीच में जो 12th T20 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। और इस मैच के सारी डिटेल्स एनालिसिस जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग अगर प्लेइंग 11 टीम न्यूज़ अगर देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो जमैका थलावास की अगर आप एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देख सकते हो, जो कि इन्होंने प्रीवियस मैच जो है हार चुके हैं। तो किनान लुइस, ग्लेन फ्लिप, रॉस टेलर, डेविड मिलर, रोमन पावेल, आंद्रे रसेल, इमाद वसीम, सैमुअल बद्री कल प्रीवियस मैच पे खेले थे, वहीं पे क्रिस्टोफर सांटो की, एडम जंपा और थॉमस। तो ये कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है जमैका के टीम के बारे में। हालांकि प्रीवियस मैच हारे थे तो कुछ एक जो चेंजेस जो है वो लोग कर सकते हैं। अगर हम टीबैको की बात करें तो इन्होंने प्रीवियस मैच जीता है तो कोई भी चेंजेस के असर तो है नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ओपनिंग में सुनील नारायण और क्रिस लिन है, कॉलिन मंडो, ब्रेंडन मैकलम, डैरेन ब्रावो, जेवन सर्ज, दिनेश रामदीन विकेट कीपर पर है, डैरेन ब्रावो, अली खान, फवाद अहमद और सार्नोल्ड जो गैबल है। वहीं पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सुनील नारायण, क्रिस लिन, कॉलिन मंडो, ब्रेंडन मैकलम, किनान लुइस, ग्लेन फ्लिप, रॉस टेलर और आंद्रे रसेल। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो ड्रीम 11 टीम की बात करें तो विकेट कीपर पे आपके पास जो है दो अवेलेबल ऑप्शन है, पहला है ग्लेन फ्लिप और दूसरा है दिनेश रामदीन। दिनेश रामदीन जो है वो अराउंड 5 से लेकर 7 तक किसी भी पोजिशन पर बैटिंग कर सकते हैं। वहीं पर जो ग्लेन फ्लिप है वो एज अ ओपनर टीम में खेल रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैट्समैन की तो आपके पास रॉस टेलर मैंने लिया है, ब्रेंडन मैकलम, डैरेन ब्रावो और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलिन मंडो, और अगर आप नीचे आएंगे मैंने रोमेल पावल को लिया है। इसके अलावा आप चाहें तो क्रिस लिन, डेविड मिलर और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप किनर लुइस और यही कुछ आपके पास जो है अवेलेबल ऑप्शन होंगे बैट्समैन पे। वहीं पे अगर हम लोग जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो प्रीवियस दो मैचों में इन्हें मौका नहीं मिला है और वहीं पे प्रीवियस मैच पे जो है आंद्रे मैकेबेरी को भी जो है मौका नहीं मिला है। तो दिन दोनों में से किसी एक को जो है शायद जमैका जो है अंदर ला सकती है, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हो 50% चांसेस है। तो फ्रेंड, इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आंद्रे रसेल है, सुनील नारायण, डैरेन ब्रावो, इमाद वसीम और जेवन सल्स है। तो आप चाहें तो इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आंद्रे रसेल और डैरेन ब्रावो को लिया है। आप अगर आंद्रे रसेल और सुनील नारायण दोनों को लेते हैं तो टीम आपका जो है बैलेंस नहीं बनेगा। वहीं पे अगर हम लोग बॉलर्स की बात कर लेते हैं, बॉलर्स पे मैंने यहाँ पे एडम जंपा को लिया हुआ है, क्रिस्टो कुमार संतोखी को लिया है, अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे ओडेन थॉमस को लिया है। इसके अलावा आप चाहें तो सैमुअल बद्री को ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस मैच खेला था। वहीं पे आप चाहें तो यहाँ पे जो है सनोल को ले सकते हैं जो कि फास्ट बॉलर है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन उतना अच्छे फॉर्म में नहीं। इसके अलावा आप चाहें तो टॉम कूपर, फवाद अहमद को भी आप ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था। वहीं पर आपकी बात करें तो यहाँ पर आप चाहें तो अली खान को भी ले सकते हैं, तो जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक के CPL में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, मैंने वाइस कैप्टन कॉलिन मंडो और कैप्टन जो है आंद्रे रसेल को लिया है। अब आप क्या चेंजेस कर सकते हैं तो मैं आपको इस टीम में बता सकता हूं। तो आप चाहें तो विकेट कीपर पर चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप नारायण को ऑलराउंडर पे ले सकते हो, बॉलर्स पे आप एक दो चेंजेस कर सकते हो। तो कैप्टन की बात करें तो आपके ग्रैंड लीग में ब्रेंडन मैकलम और जो है रॉस टेलर या फिर आप रोमन पावल को जो है ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।